हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन पी एन प्लस वन इन टू पी डैश एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टू एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन टू एन प्लस के थ्री। ओके, हल करने जा रहा हूँ। वी नो दैट हमारे पास जो रिकरेंस फार्मूला होता है उसका यूज़ करूँगा। वी नो दैट रिकरेंस फार्मूला फोर्थ फिफ्थ का यूज कर रहा हूँ। ओके, रिकरेंस फार्मूला शॉर्ट में लिख दिया मैंने। फार्मूला ये होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन पी डैश एन एक्स इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एन एन इंटू एक्स पी एन माइनस पी एन माइनस वन। ओके, पी एन माइनस वन, क्लियर है ना, ये फार्मूला होता है। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, पी डैश एन आ गया, एक तो एन प्लस वन चाहिए मेरे को और एक इंटीग्रेशन चाहिए माइनस वन टू वन। मैंने वही किया, मैंने इसको इंटीग्रेशन किया माइनस वन से वन तक इंटीग्रेशन किया और इसको रखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन और पी डैश एन और एक्स और जितने की गुणा की जरूरत थी, जो मेरे को जरूरत थी पी एन प्लस वन, उससे मैंने गुणा कर दिया। ओके, और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेम राइट हैंड साइड के अंदर मैंने किया, राइट हैंड साइड में माइनस वन से लेकर वन तक इंटीग्रेशन और एन इंटू ये हो गया एक्स पी एन माइनस पी एन माइनस वन और इसके गुणा जैसे इधर एन प्लस वन से की मैंने, इधर भी मैंने एन प्लस वन से गुणा कर दी और इंटू डी एक्स। क्लियर, चलो भाई लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो मुझे कोई चेंज करना ही नहीं, ये तो हुआ माइनस वन से लेकर वन तक और ये हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन और पी एन प्लस वन हो गया और पी डैश एन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू, ज़रा इसको देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। पहले वाले स्टेप की मैंने मल्टीप्लाई की, पहले वाले स्टेप की मल्टीप्लाई करने के बाद एन एन तो आ गया बाहर और ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस वन से लेकर वन तक और कितना हुआ भाई, ये हुआ एक्स पी एन हो गया, एक तो हुआ एक्स पी एन और गुणा माया कितना पी एन प्लस वन, क्लियर है ना, और माइनस इंटीग्रेशन हुआ माइनस वन से लेकर वन तक, एन मैंने बाहर रख लिया और ये हो गया पी एन माइनस वन गुणा पी एन प्लस वन इंटू डी एक्स, यही बनाना। अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ से मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड बनी वो बनी इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हुआ पी एन प्लस वन, पी एन प्लस वन जिसकी मेरे को ज़रूरत है पी डैश एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू उधर जो मेरे पास बना एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से लेकर वन तक और ये बना मेरे पास एक्स पी एन, एक्स पी एन और पी एन प्लस वन, पी एन प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी माइनस है ये माइनस माइनस एन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से लेकर वन और ये हो गया पी एन प्लस वन पी एन माइनस वन, पी एन माइनस वन इंटू पी एन प्लस वन और इंटू डी एक्स। हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी एक होती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज है। ओके, और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो बोलती है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वो ये बोलती है इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर वन तक पी एन इंटू पी एम एक्स तो है ही इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कब होता है जब एम बराबर ना हो एन के। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, आप यहाँ तो है एन माइनस वन और यहाँ है एन प्लस वन, यानी दोनों वैल्यू अलग अलग है, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, तो ये पूरे का पूरा स्टेप तो हो जाएगा ज़ीरो। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का जैसे ही मैंने यूज़ करा, लेफ्ट हैंड साइड तो निकल करके आई माइनस वन से लेकर वन तक, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हुआ यहाँ पर पी एन प्लस वन इंटू पी डैश एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन तक, ये हो गया पी एन एक्स इंटू पी एन इंटू पी एन प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस के जीरो। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखना है बेटा आपको, मेरे पास एक फार्मूला होता है रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट का। फार्मूला ये होता है, पहले मैं आपको फार्मूला ही बता दूं। वी नो दैट
फार्मूला ये होता है भाई, 2n प्लस वन एक्स पी एन इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो ये होता है n प्लस वन पी एन प्लस वन, और फिर आगे होता है प्लस n पी एन माइनस वन। ओके, यहाँ से मैं एक्स पी एन की वैल्यू निकालूंगा। चलो अगले वाले पेज में देखते हैं। मेरे पास फार्मूला कितना है भाई, जो फार्मूला है वो है 2n प्लस वन एक्स पी एन इज इक्वल टू कितना होता है भाई, n प्लस वन पी एन प्लस वन, ये होता है n प्लस वन पी एन प्लस वन माई प्लस n पी एन माइनस वन। ओके, इससे मैंने क्या किया, एक्स पी एन की वैल्यू निकाली। एक्स पी एन की वैल्यू निकल करके आई 1/2n+1 तो हो गया ये, 2n+1 तो हो गया ये, और ये हुआ n प्लस वन पी एन प्लस वन प्लस एन पी एन माइनस वन। ओके, ये वाली जो रिजल्ट है, ये वाली वैल्यू जो है मैं आगे डालूंगा। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। ओके, अब मेरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 से 1। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेशन -1 से 1, और यहाँ है x²-1। ओके, और ये है पी डैश एन है, और पी डैश एन के साथ साथ कितना है मेरे पास भाई, एक मिनट रुक जाऊँगा, पी डैश एन है और दूसरी तरफ जो है वो है पी डैश एन के साथ साथ, एक मिनट रुको, पी डैश एन पी एन प्लस वन। ओके, पी एन प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, उस तरफ मेरे पास क्या बना हुआ है भाई, एन इंटू इंटीग्रेशन -1 से 1 बना हुआ है, और एक्स पी एन बना हुआ है, पी एन प्लस वन बना हुआ है, एक्स पी एन बना हुआ है और पी एन प्लस वन बना हुआ है। ओके, अब ध्यान से देखना, एक्स पी एन की ये वाली जहाँ वैल्यू डालूंगा मैं ये वाली। ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स पी एन। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इन सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना बन जाएगा भाई, इंटीग्रेशन -1 से 1 ये हो जाएगा x²-1, और ये हो जाएगा पी एन प्लस वन हो जाएगा, पी डैश एन हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एन इंटू, इधर कितना बन गया भाई, ज़रा ध्यान से देखना है आपको, इधर इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक मैंने वैल्यू डाल दी। ओके, ये हुआ, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, एन प्लस वन पी एन प्लस वन, ओके, प्लस एन पी एन माइनस वन, इस सारे के गुणों में क्या है, पी एन प्लस वन है, ध्यान से देखो, पी एन प्लस वन है और इंटू डी एक्स है, और बटे में कितना है भाई, बटे में है 2n+1, बटे में है 2n+1। ओके, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी जो की तू रही, इंटीग्रेशन -1 से 1 x²-1, और ये हुआ पी डैश एन और पी एन प्लस वन, इधर तो कोई चेंज है ही नहीं, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार इसको हटा देता हूँ वरना परेशान करेगा ये, यहाँ मेरे पास है n/2n+1, n/2n+1 है, इंटीग्रेशन -1 से 1 है, और देखो ध्यान से देखना है, और n+1 भी है, pn+1 का स्क्वायर है, n के साथ यहाँ है n+1 है, बाहर ले लिया मैंने इसको, और ये हुआ pn+1 का कंप्लीट स्क्वायर इंटू dx, और उससे अगले वाला जो स्टेप बना, ध्यान से देखना है, उससे अगले वाला स्टेप क्या बन रहा है, उससे अगले वाला स्टेप बना n² बना, देखो इसे n की n के साथ गुणा करूँगा, n² n+1 कितना बना भाई, प्लस n² / 2n+1 इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक, और ये बना pn-1 pn+1 pn-1 pn+1 इंटू डी एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा भाई, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई,
ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये बोलती है इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर वन तक पी एम एक्स पी एन एक्स इंटू डी एक्स बराबर जीरो के, जब एम बराबर ना हो एन के, एम बराबर नहीं है एन के, ये ओवरऑल इंटीग्रेशन तो हो गया जीरो। ओके तो इधर मेरे पास कितना निकल कर क्या, इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर वन तक ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हुआ पी एन प्लस वन पी डैश एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन, और इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर वन तक, और ये हो गया पी एन प्लस वन का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस के जीरो। हमारे पास फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है भाई, ऑर्थोगोनल शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन पी एन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है दो बटे टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। ओके जब यहाँ एन है तो टू एन प्लस वन आता है, क्लियर है ना। चलो तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो बनी वो क्या बनी भाई, लेफ्ट हैंड साइड बनी इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर वन तक, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हुआ पी डैश एन हुआ, और पी एन प्लस वन हुआ, और इंटू डी एक्स हुआ इज इक्वल टू इधर बना हुआ है एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ये ब्रैकेट है बेटा टू एन प्लस वन। ओके और यहाँ कितना बनेगा दो बटे टू इंटू एन की जगह निकल गया एन प्लस वन और फिर प्लस के वन। देखो ध्यान से देखो ना भैया प्रॉपर्टी, जब यहाँ एन थी तो टू एन प्लस वन आ रहा है, तो यहाँ एन प्लस वन है दो से इसे गुणा हो जाएगी, उसी तरीके से निकल करके आएगा दो से गुणा होगी एन प्लस वन इंटू वन, क्लियर है ना। और फाइनली कितना निकला इधर, इधर तो ये जो का तू है ही, इधर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, इधर निकल करके आया टू एन एन प्लस वन हो गया बटे टू एन प्लस वन हो गया, और ये हो गया टू एन प्लस के थ्री, टू एन प्लस के थ्री। ओके इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो, कभी आपको डाउट हो गया टू एन प्लस के थ्री, और इधर जो है इधर है मेरा जो का तुम, इधर क्या है मेरे पास एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से लेकर वन तक एक्स स्क्वायर माइनस वन पी डैश एन है, और पी एन प्लस वन है, और इंटू डी एक्स है। ओके और यही मेरे को प्रूफ करना था। ओके आपका कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है।